नमस्कार, समाचार टाइम आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। दिल्ली सरकार ने सनी लियोन सहित कई कलाकारों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि सनी लियोन हमारी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और उन्हें पान मसाले का विज्ञापन नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इनमें शाहरुख खान, अरबाज खान सहित कई दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार ने कहा है कि पान मसाले का विज्ञापन करना बंद करें। दिल्ली सरकार ने सनी लियोन सहित 6 फिल्मी सितारों को चिट्ठी लिखी है। इसमें इन सभी से पान मसाले का विज्ञापन छोड़ने की अपील की गई है। सनी लियोन के अलावा अजय देवगन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, अरबाज खान और गोविंदा से यह अपील की गई है। सनी को लिखी चिट्ठी का मजमून कुछ यूं है कि श्रीमती सनी लियोन, हमारी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस सनम, निवेदन है कि आप शिलाजीत पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों में अक्सर दिखाई देती हैं। हालांकि इनमें तंबाकू नहीं होता, लेकिन सुपारी तो होती है और अब इसके कई वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं कि सुपारी से कैंसर होता है। इसके अलावा इन पान मसालों के विज्ञापनों से कंपनियां अपने तंबाकू प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं। तंबाकू, पान मसाले बीमारी और मौत का कारण बनते हैं। इनका सेवन करने वालों पर शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बुरा असर पड़ता है। हमारा पर्यावरण भी खराब होता है। WHO के डेटा के मुताबिक देश में तमाम तरह के 30-40% कैंसर और मुंह के कैंसर के 90% मामले तंबाकू की वजह से होते हैं। देश में हर साल 9-10 लाख लोगों की जान तंबाकू की लत के कारण ही जा रही है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप पान मसाला या इस तरह के दूसरे विज्ञापन मत कीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप हमारे एंटी तंबाकू कैंपेन से जुड़ जाइए और लाखों जिंदगियां बचाइए। आपका अपना डॉक्टर SK अरोड़ा, एडिशनल डायरेक्टर DGHS दिल्ली सरकार। पठानकोट आतंकी हमले में अपना जुर्म कबूल करने के बाद SP सलविंदर सिंह के खिलाफ जोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। कहा गया है कि पठानकोट हमले में जो लोग भी इस मामले में सम्मिलित थे, जो शामिल थे, जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। NIA की टीम के सामने अपना जुर्म कबूल करने के बाद SP सरविंदर सिंह और उसके साथियों का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसके बाद देश में लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पठानकोट में स्वर्णकार संघ के प्रधान वरिंदर सहदेव ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की मदद करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर उनके संघ का कोई भी सदस्य इस काम में दोषी पाया गया तो वह उसका डटकर विरोध करेंगे। गंगा में प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहने पर NGT ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। NGT ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारें केवल भाषण दे रही हैं और प्रदूषण को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। NGT के मुताबिक हकीकत और नारेबाजी में काफी फर्क है। सिर्फ नारेबाजी से गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं होने वाली है। खास बात यह है कि वाराणसी में गंगा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर NGT ने फटकार लगाई है, जहां से PM नरेंद्र मोदी सांसद है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने गंगा के निर्मलीकरण की आवाज भी उठाई थी। ICC T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ICC ने BCCI की मदद से भारत में स्वच्छता की एक नई पहल शुरू की है। आपको बता दें कि ICC वर्ल्ड कप के दौरान लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। इस साल मार्च में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर ICC ने एक नई पहल शुरू की है। ICC ने यूनिसेफ और BCCI की सहभागिता में फॉर गुड एंड टीम स्वच्छ अभियान की लॉन्चिंग की है। ये कार्यक्रम दिल्ली में किया गया, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर, ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड रिचर्डसन समेत भारतीय क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर मौजूद थे। इस अभियान का मकसद क्रिकेट के जरिए देश में साफ सफाई रखना है। इस दौरान सचिन ने वहां मौजूद बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर इस पहल को आगे ले जाने की बात कही है। सचिन का कहना है कि हम सबको मिलकर वर्ल्ड कप के दौरान स्वच्छता को ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। बीमारियों के कारण रोजाना 1600 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं BCCI सचिव अनुराग ठाकुर ने भी ICC के इस पहल का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि टीम में स्वच्छ भारत एक अभियान है, जिसे बच्चों के साफ सफाई के मद्देनजर रखा गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत तभी हो सकता है अगर हर कोई इसमें अपना योगदान दे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बना पाएगा। बराक ओबामा ने अपने व्हाइट हाउस के दिए संवाद में कहा है कि हमने वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं जिसके जरिए ईरान परमाणु बम बनाता था।
बराक ओबामा ने ईरानी परमाणु समझौते के क्रियान्वयन की सराहना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उस रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे ईरान परमाणु हथियार बना सकता था। ओबामा ने व्हाइट हाउस से टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा, कल का दिन ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हमने पश्चिम एशिया में एक और युद्ध का जोखिम लिए बिना कूटनीति के जरिए इस ऐतिहासिक नतीजे को पाया है। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ईरान ने ऐतिहासिक समझौते का पालन किया है। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ईरान पर लगे तेल एवं वित्तीय प्रतिबंध हटा लिए, जिससे ईरान अपनी 100 अरब डॉलर की उन संपत्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा जिन पर प्रतिबंध के तहत रोक लगी हुई थी। एक अलग समझौते में ईरान ने अपने कब्जे से 5 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ दिया और ओबामा ने भी अमेरिका में बंद 7 ईरानी नागरिकों को लेकर नरमी बरतने पर सहमति जताई है। ओबामा ने कहा, यह अच्छा दिन है जब अमेरिकी मुक्त हुए हैं और अपने परिवारों के पास लौटे हैं। यह ऐसा कुछ है जिसका हम जश्न मना सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान और विश्व शक्तियों के बीच हुए समझौते के तहत तेहरान परमाणु कार्यक्रम संचालित नहीं कर सकेगा। हरियाणा में जल्द ही स्पेशल डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने जा रहा है। इस सेंटर में हर तरह के टेस्ट हो जाएंगे। अनिल विज ने इस बात की पुष्टि पत्रकारों के साथ की। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार हरियाणा में स्पेशल डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद ये तय किया गया है कि ये स्पेशल डायग्नोस्टिक सेंटर रोहतक के मेडिकल यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। विज ने कहा कि स्पेशल डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने के बाद हर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा टेस्ट यहाँ से हो सकेगा। भारतीय क्रिकेट टीम भारत में होने वाले विश्व T20 मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के साथ अभ्यास मैच खेलेगी। उसके बाद 15 जनवरी को उसका मुकाबला बांग्लादेश के साथ होगा। विश्व T20 मुकाबले का पहला मैच वह खेलेगी बांग्लादेश के साथ। क्रिकेट विश्व कप के 2 अभ्यास मैचों में भारत का सामना वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से होगा। ICC द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक भारत 10 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अभ्यास मैच खेलेगा। भारत का दूसरा अभ्यास मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से 13। भारतीय टीम को चैंपियनशिप में अपना पहला मैच 15 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। भारत को न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और एक क्वालिफायर के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। दिल्ली और मुंबई में 30 और 31 मार्च को सेमीफाइनल खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 3 अप्रैल को कोलकाता में होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान स्टार्टअप योजना को निशाना साधा था, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी खुद एक स्टार्टअप हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई दौरे में उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुंबई में छात्रों से बात करते हुए कहा कि देश में बढ़ती असहनशीलता स्टार्टअप्स के रास्ते में एक बड़ा अड़ंगा है। स्टार्टअप्स और असहनशीलता साथ साथ नहीं हो सकते। उन्होंने असहनशीलता को देश की मूल भावना के लिए खतरा बताया था। तो वहीं BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने स्टार्टअप के लिए नकारात्मकता दिखाई है, राहुल गांधी खुद ही एक स्टार्टअप है जिनकी एंट्री तो आसानी से हो गई है। यदि राहुल गांधी मोदी जी के स्टार्टअप को पढ़ेंगे, उसमें इजी एग्जिट भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंगाल के अपने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल में अपराध बढ़ते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपराध को बढ़ावा देती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सोमवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के बुनियादपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश को 1947 में स्वाधीनता मिली है और 1947 के बाद आज तक 68 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी देश में हालत यह बनी हुई है कि किंगाओ में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है और गरीब व बच्चों के हाथों में काम नहीं है। गडकरी ने कहा कि देश के किसानों को फसलों की सही कीमत अभी मिलनी बाकी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है। गडकरी ने कहा, जब नरेंद्र मोदी देश के PM बने तो हमारी पार्टी और सरकार ने यह विश्वास जगाया कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे और बढ़ रहे भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करेंगे।
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 1 फरवरी से सभी दवाएं और मेडिकल टेस्ट फ्री में किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की पुष्टि की है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 1 फरवरी से सभी दवाएं एवं मेडिकल टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आप सरकार की प्राथमिकता सूची में स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। केजरीवाल ने बताया कि सरकार लोगों को सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध कराना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एलिवेटेड रोड के निर्माण से 350 करोड़ रुपए बचाए हैं। इस काम के लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग PWD के इंजीनियरों की तारीफ की तथा इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का धन्यवाद भी दिया। फिलहाल टॉप न्यूज में सिर्फ इतना ही। समय के साथ चलने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।